मूवी की शुरुआत में एक बेकार दुनिया को दिखाते हैं। 2597 में चल रही इस कहानी में दुनिया बहुत ही खराब हो गई है। पॉपुलेशन बेहद बढ़कर इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं बची है। सब घुटकर जी रहे होते हैं। जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वो कॉकरोच ग्रासों पर खा रहे होते हैं। वैसे जापान वाले लोगों के लिए कोई नई चीज तो है नहीं। उस कीड़े के मार्केट में दो लोग पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं। अजीब तरह के कपड़े पहने भी पुलिस वाले उनको गन शूट कर रही होती है। अब उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और यही इस मूवी का हीरो है। इसका नाम शोकिची कोमाची है। तब आसमान से एक कार नीचे आ रही होती है। उस कार के अंदर एक अजीब तरह के बाल रखा हुआ एक आदमी है। इसका नाम कोहोंडा है। ये कहता है कि अर्थ में इंसान के रहने की जगह न होने के कारण हम सब मार्स में जाने वाले हैं और उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। उसके करी में एक लड़की है, वो उससे बात कर रही होती है। तो वो लड़की कोहोंडा से कहती है ये दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनको जहाँ भी देखे तो शूट करने के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो कोहोंडा कहता है यस, यही तो हमें चाहिए, और नीचे उतरता है और उनसे कहता है कि एक बहुत जरूरी काम करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और ऐसे बोलते हुए वो एक कॉकरोच को कुचल भी लेता है। इसके बाद 2 साल बाद एक स्पेसशिप मार्स की तरफ जा रहा होता है। उसके अंदर शोकिची कोमाची खड़ा है। उसके साथ झगड़ा करता हुआ एक बॉक्सर खड़ा है जिसका नाम जिम है। शोकिची के साथ जो लड़की नानो थी वो भी स्पेस सूट पहनकर खड़ी है। शोकिची और जिम मजाक में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। अब कहानी ये है कि 500 साल पहले कॉकरोचेस को मार्स पर भेजा गया था ये देखने के लिए कि वहाँ इंसान रह पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया वो कॉकरोचेस भी बढ़ना शुरू हो गए और अब वो कॉकरोचेस लाखों करोड़ों की तादाद में हो गए हैं। उन सबको मारने के बाद ही वहाँ पर इंसान बच सकते हैं। इसलिए जितने भी चोर गैंगस्टर टेररिस्ट हैं इन सबकी एक टीम बनाकर वहाँ भेजी जा रही है। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम असुका मोरिकी है। उसके बाद शिप का कैप्टन डोजिमा आता है और फिर वाइस कैप्टन आता है। अब वो स्पेसशिप फिर मार्स में लैंड हो जाता है। फिर उसके आयरन डोर्स खुलने के साथ ही पहली बार मार्स को देखते हैं। तब शोकिची के फ्लैशबैक को दिखाते हैं। इन दोनों को मार्केट से पकड़कर कोहोंडा उनको कॉकरोच के मारने के लिए मार्स पर भेजने के लिए कहता है। वैसे तो तुम दोनों ने आज तक जो भी क्राइम किए हैं उसके लिए पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, पर अगर मार्स जाने के लिए तुम एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और उसके साथ तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। ये सुनकर तो शोकिची और नानो उस एग्रीमेंट में साइन कर ही देते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ये अपने स्पेसशिप से 2 मिसाइल छोड़ते हैं जिनसे गैस निकल रही होती है। वो इसीलिए अगर कोई भयानक जीव वहाँ पर हो तो वो मर जाए। लेकिन उस जगह में कोई कॉकरोच नहीं था। अब उनका कैप्टन उन्हें अलग अलग करके भेजता है। तब डोजी में एक ड्रोन छोड़कर देखता है कि थोड़ी दूर पर एक स्पेसशिप है। उसी वक्त अर्थ से उस वीडियो को कोहोंडा भी देख रहा होता है क्योंकि बहुत साल पहले अर्थ से उस स्पेसशिप को भेजा गया था पर इसमें कोई भी बच नहीं पाया। उस पुराने स्पेसशिप का नाम बक्स 1 है और जिसमें ये लोग आए हुए हैं इसका नाम बक्स 2 होता है। अब इनकी टीमें कॉकरोच को मारने के लिए बाहर निकलती है। शोकिची और नानो सब पेड़ पौधों को उठाकर देखते हैं पर वहाँ कोई भी कॉकरोच दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ 3 इंसानों की तरह जानवर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। उनके हाथ में पत्थर से बनाए हुए हथियार होते हैं। उसे देखकर तो जिम बिल्कुल ही डर जाता है। यहाँ शोकिची और नानो भी ऐसे ही अजीब जानवर को देखते हैं और इनको देख के ही वो जानवर इनकी तरह बढ़ता है। शोकिची बात करने की कोशिश करता है और कहता है हेलो सर, हम अर्थ से आए हैं। लेकिन वो इतनी तेजी से आता है कि नानो की मुंडी मरोड़ देता है। उसे देखकर तो शोकिची बिल्कुल शॉक में पड़ जाता है कि ये है क्या चीज। फिर वो जानवर बिजली की स्पीड में वहाँ से गायब हो जाता है और तभी वहाँ जिम और मारिया भी आते हैं। जिम कहता है कि उस जानवर ने अशोका मोरिकी को मार दिया है। वहाँ देखते हैं कि मोरिकी नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर जानवर उछल रहे होते हैं। अब नानो की बॉडी को स्पेसशिप के अंदर लेके जाते हैं और डोजिमा के पास दिखाते हैं और ये कहते हैं कि वो आदमी कौन है और इसे इस तरह से क्यों मार दिया। तभी इक्रो कहता है कि वे सब कॉकरोचेस हैं। मार्स की रेस की वजह से उनका इवोल्यूशन हो गया है और वो इंसान की तरह हो गए हैं। शोकुची डोजिमा को कहता है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तब होलोग्राम के जरिए कोहोंडा वहाँ आता है और वो कहता है कि गुस्सा मत करो, कॉकरोच इंसान को मारने के लिए तुम लोगों को यहाँ भेजा गया है और इनसे बचने के लिए तुम्हारे सूट में एक इंजेक्शन भी है जिसको लगाते ही तुम्हारे पास भी पावर्स आ जाएंगी जो तुम्हें उनसे लड़ने में काफी मदद करेंगी। तब उन सब के हाथ से लाइट आकर उनके सर में कनेक्ट होती है और उनकी आंखों में रेड लाइट जलती है और वे सब अपनी पावर जान लेते हैं। इसके बाद ही खेल शुरू होता है पर डोजिमा सबको वार्न करता है कि इंजेक्शन को ज्यादा लिया तो मरने के भी कई चांसेस हैं। तब स्पेसशिप के बाहर एक कॉकरोच आकर खड़ा होता है। तब वहाँ गॉल्डी आकर कहता है कि मैं उन्हें जान से मार दूंगा, आप सब फिक्र मत कीजिए, और ऐसा बोलकर वहाँ से निकलता है। अब ऐसा प्लान करते हैं कि हम उनके अड्डे में जाकर उनको मार देंगे। बाहर जाकर गॉल्डी एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है। आगे से कॉकरोच को आते हुए देखते ही उस इंजेक्शन को डाल देता है और वो फौरन एक कीड़े की तरह बदलना शुरू हो जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके हाथ से आग छोड़ता है। पर वे कॉकरोच इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उन्हें अब आग से भी कुछ नहीं होता और ली के सामने आके उसके पेट पर एक पंच मारता है। ली वहीं पर झट से मर जाता है और सभी मुंह खोलकर देख रहे होते हैं कि ये है क्या चीज।
उसे जान से मारने के बाद वो कॉकरोच सीधा स्पेसशिप में आकर खड़ा होता है और अपने सर को टकराना शुरू कर देता है और बिल्कुल तोड़ के अंदर ही आ जाता है। फिर वो वहाँ पर दो लोगों को एक ही सेकंड में मार देता है। तब शोकिची कीड़े का इंजेक्शन डालने की कोशिश करता है मगर उसको डोजीमा रोकता है और कहता है पहले मैं कैसे फाइट करता हूँ ये देख लो। और ये कहने के बाद डोजीमा अपना इंजेक्शन डालता है। साउथ अमेरिका में दिखाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक बुलेट आंट का डीएनए इसके बॉडी के अंदर जाता है और ये भी उस बुलेट आंट की तरह बदल जाता है। जो कॉकरोच अंदर आया था उसे एक ही पंच देता है और वो फट जाता है। तभी रडार में आवाजें आती है, ये जाके देखते हैं तो उनके स्पेसशिप के बाहर कॉकरोचों की पूरी आर्मी खड़ी होती है और अंदर के लोग सब बहुत ही डर रहे होते हैं और पूछते हैं कि ये कॉकरोच सब हमें जान से क्यों मारना चाहते हैं। तभी एक लड़की बहुत ही अच्छी बात कहती है कि जब हम उन्हें मार रहे हैं तो हम भी ये क्यों नहीं सोच रहे कि उनको नहीं मारना चाहिए। और ऐसी फिलोसफी कहने के बाद स्पेसशिप से उतरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं मगर स्पेसशिप काम नहीं करता और कोई टेक्निकल एरर हो जाता है। तब डोजीमा कहता है कि मैं इन सबको देख लूंगा, मैं इन सबका ध्यान भटकाता हूँ, तुम सब बक्स वाले स्पेसशिप की तरफ चले जाओ, वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम दोनों एक ही है, उसकी मदद से इसे कैसे भी करके हम तैयार कर सकते हैं। पर शोकिची डोजीमा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो कहता है कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो जिम भी कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। तो इकरो कहता है कि किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ से जाओ, मैं और डोजीमा संभाल लेंगे। तभी देखते हैं कि स्पेसशिप के ऊपर 100 से भी ज्यादा कॉकरोचेस चढ़ रहे होते हैं। ये लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं तभी शोकिची नानो की डेड बॉडी के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तभी गौर करता है कि नानो के मुंह से कुछ निकल रहा होता है। यहाँ स्पेसशिप के बाहर कॉकरोचेस सब चढ़ के आ जाते हैं। तब इकरो अपना इंजेक्शन डालता है और उसमें भी पावर आने लगता है। डोजीमा जो बुलेट आंट होकर बदल चुका है वो सब कॉकरोचेस को मार के उड़ा रहा होता है। वहाँ स्पेसशिप के एक छोटे से कैप्सूल में सभी बैठ जाते हैं और सब शोकिची के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। उस वक्त टेजू का इंजेक्शन डाल लेता है तब उसके मुंह से कुछ अजीब तरह से बाहर आता है। उसका मुंह बलून की तरह बड़ा हो जाता है और उस आग से सभी कॉकरोचेस हवा में उड़ रहे होते हैं। यहाँ स्पेसशिप के अंदर कॉकरोचेस हजारों की तादाद में आ रहे होते हैं और डोजीमा सबको मार के उड़ा रहा है। तब उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं, स्पेसशिप का कैप्टन डोजीमा इससे पहले एक पुलिस वाला था पर वो कोई गलत काम करने की वजह से फंस गया था, इसीलिए कोहोंडा ने उसे मार्स में जाकर एक जानवर के अंडे को लाने को कहा था। अब उन जानवरों के साथ वो लड़ते समय इकरो को सिग्नल देता है और वो स्पेसशिप के सारे डोर्स को बंद करके ऑक्सीजन को बाहर करना शुरू कर देता है। अब ऑक्सीजन के बिना कॉकरोचेस को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ दिखाते हैं कि जीप में जाते हुए दूसरे लोग अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। शोकिची ने नानो को जापान की गलियों से कैसे बचाया ये सब कुछ उन्हें बता रहा होता है। तभी सामने देखते हैं तो बहुत बड़ी सुनामी की वेव आ रही होती है, असल में वो उन भयानक कॉकरोचेस की सुनामी आ रही होती है और एक के एक ऊपर चढ़ के आ रहे होते हैं, सीधे जीप की तरफ ही आ रहे होते हैं। तब टेजुका के मुंह से आ रही उस गोले से सभी बहुत तेजी से उड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से एक और सुनामी आ रही है और ये पिछले वाले से कई खतरनाक थी। अब इनकी मदद करने के लिए ओस्कर और मैरी कहते हैं हम भी इंजेक्शन लगा लेते हैं और इन दोनों में भी अब पावर्स आ जाती है। अब ये दोनों एक शील्ड की तरह बना लेते हैं और दोनों लड़कियां शील्ड की हेल्प से टेजुका को बचाकर कॉकरोच से लड़ते हैं और उनकी जीप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जीप फिर ऑटो पायलट मोड में खुद ही चलकर वहां से निकल जाती है। यहाँ नीचे गिरी हुई टेजुका ओस्कर और मैरी सबको कॉकरोचेस घेर लेते हैं। तब उनमें से एक खड़ी होती है तो उसके सर को उड़ा देते हैं, फिर दूसरी लड़की को मिट्टी में कॉकरोचेस मसल देते हैं। उसे देखकर टेजुका गुस्सा होकर आता है तो उसे भी सर के बल गिरा देते हैं। यहाँ बक्स 2 में ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाता है तो कॉकरोचेस के साथ मिलकर इकरो और डोजीमा भी नीचे गिर जाते हैं। वहाँ जीप ऑटो पायलट मोड में खुद ही बक्स 1 स्पेसशिप में पहुँच जाता है। वहाँ वो चेक करते हैं तो देखते हैं जैसे अर्थ को कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। तभी उन्हें बाहर गन की आवाज आती है, बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी टीम के दो और लोगों को कॉकरोचेस ने शूट करके जान से मार दिया होता है। तभी इनको पता चलता है कि ये कॉकरोचेस को सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि वेपन चलाने भी आते हैं। बक्स वन स्पेसशिप से गन उठाकर एक कॉकरोचेस उन लोगों को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उन लोगों को कॉकरोचेस अब घेर लेते हैं। तभी दिखाते हैं कि दूर पहाड़ पर एक कॉकरोच कोहोंडा से बात कर रहा होता है। तब कोहोंडा कहता है कि शोकिची को माची के करीब मत जाओ, उसके पास जो इंजेक्शन है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है सर, आपने जो काम दिया है वो मैं करता हूँ, और ऐसे बोलकर कॉकरोच रख देता है। उस वक्त शोकिची अपना इंजेक्शन उठाकर इंजेक्ट करता है तो देखता है कि वो भी खतरनाक बन जाता है। सारे कॉकरोच शूट कर रहे होते हैं तो वो बिजली की तरह बच के सीधे कॉकरोच को एक पंच करता है और वहाँ सीधे उनको खत्म कर देता है। उसके बाद जिम भी अपना इंजेक्शन डाल देता है और उसके अंदर भी अब पावर्स आने लगती है। उसमें पावर होती है कि वो अपने मजबूत पैरों से 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी आसान से कूद सकता है, इतना पावरफुल जिम को दिखाते हैं।
अब दिखाते हैं कि बक्स 2 में ऑक्सीजन लेवल फिर से बढ़ जाता है और डोजीमा चक्कर से उठकर देखता है कि कौन आ रहा है। देखिए तो कोहोंडा से जिस कॉकरोच ने फोन में बात की थी वही थैंक यू कैप्टन कहता है। डोजीमा उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तभी कॉकरोच के सर को एक ब्लेड दो टुकड़ों में कर देती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। आखिर में पता चलता है तो वो लड़की आसुका मौर्य की है जो पहले सीन में मर गई थी। इसकी पावर ये होती है कि किसी भी कॉकरोच के ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले सकती है। वैसे ही पिछले सीन में भी ये अपने ऊपर उछले हुए कॉकरोच को कंट्रोल करके उसकी बॉडी में घुस के वहाँ के दूसरे कॉकरोच को जान से मारती है। लेकिन वो कोहोंडा से मिली हुई होती है तो वो कैप्टन को भी मार डालती है। फिर वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती है। एकिडो को देख कर कहती है एकिडे उठ। फिर कहती है ओ मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारे ऊपर पानी डालते हैं तभी तुम उठते हो। और फिर वो उसके ऊपर पानी डालती है तो वो भी उठ जाता है। अब वहाँ एक अंडा होता है जिसको इन्हें अर्थ पे लेके जाना है और अब इनका प्लान ये है कि यहाँ से फटाफट निकलने का। वहाँ दिखाते हैं कि नानो की मरी हुई बॉडी से सब जगह में स्पाइडर के जाल की तरह कुछ निकल रहा होता है। अब बक्स 1 स्पेसशिप के करीब शोकिची जिम और वो लड़की तीना उस स्पेसशिप के पीछे तीन बड़े पिरामिड को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि कोहोंडा ने मोरकी को यहाँ से अंडे लाने के लिए भेजा है और कोहोंडा का ये प्लान होता है कि वो कॉकरोच पर रिसर्च करके उनका डीएनए को अपने देश के सोल्जर पर इंजेक्ट करे और पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना दे। इस बात को सुनकर शोकिची गुस्सा होकर कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। अब दिखाते हैं कि बक्स 2 स्पेसशिप निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। इकरो उसे स्टार्ट कर रहा होता है और दोनों उस स्पेसशिप से निकल रहे होते हैं। तभी उस अंडे को दिखाते हैं जिसमें से दो कॉकरोचेस फूट रहे होते हैं और वो बड़े खतरनाक दिख रहे होते हैं। फौरन मोरिकी आती है तो वो उन दोनों को भी अपने कंट्रोल में लेने वाले होती है पर उसका बस नहीं चलता क्योंकि वो दोनों और भी खतरनाक होते हैं और वो दोनों उसको मार डालते हैं। होंडा भी ये सब देखकर हैरान हो गया होता है और वो स्पेसशिप ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। फौरन उसके अंदर के जो दोनों कॉकरोच थे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब फौरन नीचे से कॉकरोच सबके सब ऊपर आ जाते हैं और सब उस स्पेसशिप पे चढ़ जाते हैं। तब इकरो इंजेक्शन उठाकर अपने पे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है पर कॉकरोच उसको मार के फेंक देते हैं। ऊपर गया हुआ स्पेसशिप नीचे आते समय वो फट जाता है। उसे देखकर तो कोहोंडा भी हैरान रह जाता है। ये तो अपने प्लान में था ही नहीं। उस स्पेसशिप के सारे कॉकरोच उड़ के एक टीम बना के सामने खड़े होते हैं। अब शोकिची कुमाची और इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इन्हें फाइट करनी होती है। तो ये भी अपने इंजेक्शन डालते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनकी जबरदस्त फाइट चलती है, सभी कॉकरोच से लड़ रहे होते हैं। तब शोकिची एक कॉकरोच को मारने के लिए भाग के आता है पर उसके स्ट्रॉन्ग हाथ से शोकिची के चेहरे पर एक पंच पड़ता है और वो गिर जाता है। जिम को भी एक कॉकरोच मार के उड़ा देती है। दूसरी लड़की का हाथ मार के उसकी मुंडी उड़ा देते हैं। उसे देखकर ये दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जिम कहता है कुछ भी हो जाए इसे मैं हरा के रहूंगा और एक और इंजेक्शन डाल देता है। अब उसके अंदर और शक्ति आ जाती है और वो दो कॉकरोचेस को पांव से मसल देता है लेकिन फिर से उसकी पावर खत्म होने वाली होती है। तब वहाँ शोकिची आकर उसको बचा लेता है लेकिन जिम फिर से एक और इंजेक्शन डालता है और वो और भी खतरनाक होने लगता है। उसके पर भी आ जाते हैं। तब जिम एक के बाद एक को सभी को मार रहा होता है और एक वक्त के बाद कॉकरोच इन दोनों को जख्मी कर देते हैं। अब होता यह है कि ये कॉकरोचेस और भी डेवलप हो गए होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए होते हैं। ये देखकर जिम सारे इंजेक्शन उठाता है और अपने अंदर डाल देता है। फौरन उसको एक और पावर चढ़ जाती है और एक कॉकरोच के पेट में लात मार के उसका सर अलग कर देता है और बहुत सारे इंजेक्शन लेने की वजह से उसकी बॉडी संभल नहीं पाती और वो उल्टा रिएक्ट करती है। वो वॉमिट करके नीचे गिर जाता है। तभी उसे जान से मारने के लिए एक कॉकरोच आता है। शोकिची उसे बचाता है पर वहाँ का एक कॉकरोच शोकिची के हाथ के स्ट्रिंग को तोड़ देता है और वो शोकिची को मारने वाला होता है कि तभी आसमान से सफेद रंग में कोई एंजल की तरह आ रही होती है। देखते हैं तो वो मरी भी नानो कीड़े में बदलकर वहाँ उड़ रही होती है। उसे देखकर सब कॉकरोच हैरान होकर देख रहे होते हैं कि ये है क्या चीज और फिर वो अपने शरीर से कुछ पाउडर की तरह गिराती है। तभी शोकिची नानो की तरफ उठकर जा रहा होता है। नानो सोचती है कि ये हमें बचाने के लिए आ रहा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कॉकरोच गन से शूट करता है और उसमें से निकली हुई आग से वहाँ न्यूक्लियर बम की तरह एक धमाका होता है। तब पीछे से जिम आकर शोकिची को लेकर उठ जाता है और उस धमाके में उन कॉकरोचेस के साथ नानो भी मर जाती है। उसकी हरकत की वजह से बक्स 2 स्पेसशिप के अंदर एक पानी का ग्लास इकरो के ऊपर गिर जाता है और वो चक्कर से फिर उठ जाता है। बाहर शोकिची आंखें खोलकर देखता है कि बहुत सारे इंजेक्शन लेने के कारण जिम बदल जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है। उसे उठाने के लिए शोकिची जाता है पर वो कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, नानो ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है, तुम्हें जीना होगा। और ये कहकर जिम वहीं मर जाता है। शोकिची गुस्से में उठता है तब उसे मारने के लिए एक कॉकरोच आता है। तब शोकिची किसी भी इंजेक्शन के बिना उस कॉकरोच को मार देता है। वो कॉकरोच वहीं गिर जाता है पर वो उसको पूरा नहीं मारता। एक साधारण इंसान को इतनी पावर कैसे मिल गई ये सोचकर वो कॉकरोच बिल्कुल हैरान हो जाता है। अब शोकिची उस कॉकरोच को छोड़कर फिर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। अंदर इकरो जिंदा है और उसके हाथ में गन होती है, वो फौरन शूट करता है
लेकिन वो शोकेश जी को शूट नहीं करता बल्कि उसके पीछे खड़े कॉकरोच को शूट करता है। और इकरो कहता है कि मैंने जो भी किया वो गलत है, पर उसके बारे में बात करने का इस टाइम वक्त नहीं है, पहले हम यहाँ से निकलते हैं उसके बाद ही करेंगे। अब बक्स 2 स्पेसशिप के अंदर एक छोटा सा कैप्सूल होता है, वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तब सारे कॉकरोच उनके पीछे जाने के लिए तैयार होते हैं, पर कॉकरोचेस का हेड कहता है कि नहीं। उसी वक्त दुनिया के सारे इंटरनेट में ये फाइट का वीडियो चला जाता है क्योंकि ये लाइव था। अब ये जानकर कोहोंडा का प्लान ये होता है कि वहाँ से भाग जाए। तब साका की 12 गन उठाकर शूट करने की कोशिश करती है। साका की 12 को जापान गवर्नमेंट ने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन बुलेट जैसे उसके करीब आती है तो कोहोंडा में भी कुछ पावर्स होती है जिससे वो बुलेट की स्पीड को कंट्रोल कर देता है। और वो साका की 12 पर एक स्पैटर फेंकता है जो जहरीली गैस फैला देती है, वो गिर के मर जाती है और कोहोंडा वहाँ से निकल जाता है। यहाँ छोटी रॉकेट में आते समय शोकुची के पास इकरो पूछता है तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है कि पहले मैं अर्थ पर जाऊंगा और उसको होंडा को मारूंगा। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।